स्पीच इज मेड ऑफ वर्ड, दैट इज वाई वर्ड इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीच. इसीलिए स्पीच का बेसिक यूनिट क्या कहलाता है? वर्ड कहलाते हैं. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ हम मूव करते हैं. एज डिस्कस अबव, वट आर द रॉ मटेरियल बाय विच द स्पीच इज मेड ऑफ. वर्ड डू डिफरेंट जॉब्स इन स्पीच. अब डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स होते हैं जो स्पीच में डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, किरदार अदा करते हैं. सम वर्ड्स डू द जॉब ऑफ नेमिंग. कुछ हम नेम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कुछ हम रेपिटेशन में, अवॉइड रेपिटेशन को करने के लिए कि बार बार एक ही चीज़ का नाम इस्तेमाल हो रहा हो तो हम उसको अवॉइड करने के लिए. सम वर्ड एक्सप्रेस एक्शन. कुछ वर्ड जस्ट हमारे एक्शंस को, हमारे काम करने को जाहिर करते हैं. कुछ क्वालिटीज़ करते हैं कि इस पर्सन की ये क्वालिटी है, या इस तरह से. सम वर्ड एक्सप्रेस रेफरेंस रिगार्डिंग नेमिंग वर्ड्स. रेफरेंस, कुछ नेम हम रेफरेंस के तौर पर भी एक्सप्लेन करते हैं. वेरियस फीचर्स ऑफ एक्शन है. आप कुछ फीचर्स ऑफ एक्शंस को प्लेस करते हैं, जैसे टाइम, प्लेस, इस तरह से होते हैं. सम वर्ड्स डिफाइन म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ नेमिंग वर्ड्स. म्यूचुअल रिलेशंस को जो शो करते हैं, जो पोजेसिव फॉर्म को शो करते हैं. सम वर्ड्स ज्वाइन वर्ड फ्रेजेस और सेंटेंस. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम दो या दो से लफ्ज़ों को जोड़ के लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. एंड और इस तरह से. सम वर्ड्स एक्सप्रेस सर्टन फीलिंग्स. कुछ हमारी फीलिंग्स का इजहार करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे क्या है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाता है. इन द व्यू ऑफ दिस फीचर वी हैव क्लासिफाइड द 9 क्लासेस. हमने बेसिकली अकॉर्डिंग टू इन वर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 क्लासेस बना दिए. कितने क्लास बना दिए? 9 क्लास बना दिए, क्लासेस में डिवाइड कर दिए. दीज क्लासेज ऑफ वर्ड आर कॉल्ड 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो ये बेसिकली क्या कहलाती है? 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच. दीज दे आर एज अंडर. मैं सबको आपको डिफाइन करूँगी. अगर मैं अपने होल टॉपिक को कंपाइल करूँ तो मैंने अभी आपको बताया वट स्पीच. स्पीच की डेफिनेशन आपकी इतनी होगी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी स्पीच की डेफिनेशन होगी. फिर उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना वट इज़ पार्ट्स ऑफ